कॉरपोरेशन के अंदर जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए, और ख़ास करके मैं ये बात कहूँगा कि जो फंड्स की बात है, फंड्स की 11 महीने हो गए हैं, आज तक सिर्फ 10 लाख के काम हो सके हैं, इसके ज़्यादा इससे ज़्यादा काम नहीं हो सके हैं। फंड्स लेने के लिए मैं ये भी कहूँगा कि हम खुद जो हमारे आने वाले मेयर साहब हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो नहीं अप्रोच कर पाए प्रॉपर ढंग से, आने वाले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नहीं मिल पाए, वो आने वाले गवर्नर साहब से नहीं मिल पाए, पंचों और सरपंचों का एक जो डेलीगेशन मिला श्रीनगर के अंदर आने वाले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, 3700 करोड़ का जो पैकेज लिया दिया उन्होंने, उसके बाद वो दिल्ली में मिला 3000 करोड़ का पैकेज दिया, इसके साथ ही 5-5 एम्प्लॉयमेंट पर विलेज, इसके साथ ही 2-2 लाख का इंश्योरेंस। ये मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को क्यों फंड्स नहीं दिए गए? आने वाले गवर्नर जी हैं, हमारे जो गवर्नर महोदय साहब हैं, उन्होंने 500 करोड़ रुपया श्रीनगर कॉरपोरेशन के लिए दिया, 7400 लाइटों के लिए ऑर्डर किया, उसके बाद 25 लाख पर बार वो भी उन्होंने सैंक्शन किया। हम कहते हैं जम्मू के लिए क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू के लिए आने वाले मेयर साहब ने राइट अप्रोच नहीं की, इन्होंने किसी इनको चाहिए था। मैं अपील करूँगा आने वाले मेयर साहब से जल्द वो एक डेलीगेशन लेकर, आने वाले काउंसिल का डेलीगेशन लेकर वो आने वाले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलें, वो गवर्नर महोदय से मिलें, ताकि हम फंड्स मुहैया कर सकें, क्योंकि हाहाकार मची हुई है, कोई काम नहीं हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी की बात करें, हमारे पास 11 महीने बीत गए हैं, सफाई कर्मचारियों की कमी है, कहाँ से हमारा क्लेम जमा होगा? उसके लिए मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द हमें सफाई कर्मचारी भी दिए जाएँ, ताकि हमारा जो क्लीन जम्मू का जो हमारा जो सपना है वो साकार हो सके, और जल्द से जल्द हाउस भी लगाया जाए, क्योंकि हाउस लगाया जाएगा तो तभी हमारे मसले हल होंगे।